इस हॉकी के तीसरे दिन स्पीड स्केट्स और आइस हॉकी गेम्स इवेंट का हिस्सा रहे। लेह में बर्फबारी की वजह से तकरीबात के इनेकाद में कुछ मुश्किल और ताखिर होती है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया और मंतजमीन की जानिब से बेहतरीन सहूलियात का बंदोबस्त किया गया है। दीगर रियासतों से आने वाले खिलाड़ियों ने इंतजाम पर खुशी का इजहार किया। मैं फर्स्ट आया हूँ। तो आज स्नोफॉल भी हुआ है? स्नोफॉल किया जैसे आइस थोड़ी मेल्ट होने लग जाती है, जितना माइनस में टेम्परेचर जाता है उतनी आइस की क्वालिटी और खराब होती जाती है। तो आज आइस बहुत खराब थी, बट उसके बाद भी खेल पा रहे थे हम अच्छे से। आइस बहुत टफ है स्केट करने के लिए, बट वी पुश थ्रू सो हो गया, मेडल लग गया। थैंक गुडनेस गॉड ग्रेस। आज के दिन लद्दाख में बर्फबारी भी हुआ, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से महसूस कर रहे जी। आप लोग कहाँ से? हम हिमाचल से है। अच्छा, हिमाचल से। तो बर्फबारी हुआ लद्दाख में? हाँ, बहुत ठंड है बस, बाकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। हाँ, और यहाँ पे हमने सोचा था कि पानी की कमी होगी, बिल्कुल हमें कोई कमी नहीं हुई यहाँ पे खेलो इंडिया की तरफ से, और हमें बहुत अच्छा लगा। बताइए कैसा लगा यहाँ लद्दाख में? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अब हमें मतलब हमें यहाँ पे फील हुआ जैसे हम मनाली में हैं, वैसे ही ठंड पर यहाँ थोड़ी ज्यादा है। आज के दिन लद्दाख में आप लोग गेम खेलने के लिए आए खेलो इंडिया, उसके साथ साथ आप लोगों को बर्फबारी देखने को मिला, कैसे महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, आइस का रिंग भी बहुत बढ़िया है, ये इंडिया में देखने को नहीं मिलता है इतने अच्छे अच्छे रिंग, और रिंग का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ ये थे कुछ स्टेट के प्लेयर जो महाराष्ट्र से भी है, हिमाचल से भी है, उनका भी कहना है कि स्नोफॉल उनके लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि स्नोफॉल ऐसे जगह देखने को नहीं मिल रहा था, खेलो इंडिया यहाँ खेलने आया तो यहाँ स्नोफॉल भी देखने मिला। सुनमिन सिंह के साथ मैं मुल्क न्यूज 18 के लिए। और एक अहम पेशरफ्त में हुकूमत की तरफ से जम्मू शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद सहूलियात के साथ स्मार्ट ट्रैफिक बूथ लगाए गए हैं। पहले मरहले में कुल 25 स्मार्ट ट्रैफिक बूथ लगाए जा रहे हैं, इनमें से 12 पहले ही लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट ट्रैफिक बूथ जो जम्मू कश्मीर में पहली बार आ रहे हैं, उनमें पुलिस एहलकारों के लिए बहुत सी सहूलियात होंगी। इन बूथों में लोगों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क, विंडोज, बिजली के कनेक्शन, पुलिस वालों के बैठने और सोने का इंतजाम, वायरलेस सेट के अलावा दीगर सहूलियात मौजूद हैं। ये जगह जगहों पर हमारे जहाँ पर ट्रैफिक जो हमारे पुलिस पर्सनल थे उनके बैठने के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं थी, तो उनको एक हमने एक छोटा बूथ और उसके साथ में एक टॉयलेट, सो दैट वो अपनी ड्यूटी सही से निभा सकें, उसके लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ये काम किया गया है। और ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, जिसमें गांधीनगर भी है, हमारा नरवाल चौक भी है, जो ये हमारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आई थिंक ये 10 से 12 लोकेशन पर ये बूथ जो है वो लगाए। और श्रीनगर